ईशान टाइम्स टीवी पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम चंडीगढ़ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के काउंसलर दिलीप शर्मा जी के साथ हैं, उनसे बात करेंगे। बापूधाम कॉलोनी जो इनके निगम क्षेत्र में आती है, और एक कोरोना विस्फोट, कोरोना वायरस का जो विस्फोट हुआ था इनकी कॉलोनी में, सबसे ज़्यादा प्रभावित कॉलोनी थी, और हॉट जोन जिसे रेड जोन कहा जाता है पूरा चंडीगढ़ को उन्होंने रखा, और उसके बावजूद पूरी कॉलोनी में कम से कम मृत्यु दर रही और सभी लोग आज सुरक्षित हैं, साफ हैं। और जिसे कहा जाए कि बहुत अच्छा स्लम एरिया जिसे कहा जाता है चंडीगढ़ का, उसे बापूधाम कॉलोनी के लिए कहते हैं, और वहाँ पर आप जीत करके भी आते हैं और जनता के बीच में भी रहते हैं। मैं बात करता हूँ दिलीप जी से। दिलीप जी, आप यह बताएं कि बापूधाम कॉलोनी जिस तरीके से कोरोना के वायरस से प्रभावित रही और जिस तरीके से आपने वहाँ पर कार्य किया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शासन प्रशासन से आप लोगों ने सहयोग लेकर के लोगों के बीच में अवेयरनेस का काम किया, लोगों को आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई, उसमें आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरीके का सहयोग मिला और किस तरीके का असहयोग मिला, आपको इस चीज़ को भी बताना है। आगे अभी बहुत कठिन दौर आ रहा है क्योंकि अभी बहुत बचाव की ज़रूरत है, लोग खुले में घूमने लगे हैं, ये कठिन दौर है, इसमें आप किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं, प्लीज़। देखिए, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारत सरकार ने 22 मार्च को जो लॉकडाउन किया और उसके बाद 25 अप्रैल को बापूधाम कॉलोनी के अंदर पहला केस आया और उसके बाद लगातार यहाँ पर केस बढ़ते चले गए, तो एक ऐसा विस्फोटक और ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि कोरोना वायरस बापूधाम को निकल जाएगा। पहले दो दिन तो हमने सोचकर कि इससे बचना चाहिए और हम अपने घरों में रहे, लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि अगर मृत्यु आएगी तो वो किसी तरह भी आ सकती है, क्यों ना लोगों की सेवा करके इस कोरोना वायरस को यहाँ से भगाया जाए। तो हमने अपनी पूरी टीम हमने तैयार की और उस दौर में जब कोरोना वायरस से पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मची हुई थी और तरह तरह की वीडियोज आ रही थी और लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल था कि कोरोना अगर किसी को हो गया तो वो शायद जीवित नहीं रहेगा, तो हमारी तमाम टीम ने, मैं उनको कोरोना योद्धा के नाम से कहूँगा, कि वो लोग जनता की सेवा के लिए समर्पित रहे, प्रशासन के सभी अधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, बापूधाम की जनता को जो भी मूलभूत सुविधाएं थी, खाने से लेकर राशन से लेकर तमाम जितनी भी सब्जियां और तरह तरह की जो चीज़ें मुहैया कराई गई, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं ख़ास तौर से हमारे SDM सुधांशु गौतम, हमारे DSP दलशेर सिंह चंदेल, हमारे SHO नरेंद्र सिंह पटियाल, हमारे चौक इंचार्ज रोहतास और हमारी तमाम टीम, हमने, मैं थोड़ा आपको एक और बताना चाहता हूँ कि हमारे मानव सेवा फाउंडेशन ने, जिसके चेयरमैन मेरे साथ ही बैठे हैं सुनील शर्मा जी, इनकी पूरी संस्था ने लगभग 40 दिन यहाँ पर लोगों की सेवा के लिए लंगर लगाया, 1,200 के करीब रोज़ ये लंगर बनाते थे और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चले, प्रशासन के साथ चले, हर मूलभूत सुविधा उनको जनता को दिलवाई, इसके लिए मैं उनका सहयोग का मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। बापूधाम की जनता का तो मैं हमेशा से ऋणी हूँ क्योंकि दो बार चुनाव लड़े हैं और दोनों बार हम आज़ाद जीते हैं, तो उनका तो ऋण मैं सारी ज़िंदगी के अगले जन्म तक भी मैं नहीं उतार सकता। आज स्थिति यह है कि पूरा बापूधाम खुल चुका है और 3 महीने वो लगातार एक कंटेनमेंट जोन की स्थिति में रहे, बंद रहे, और आज स्थिति जो है वो ये है कि खुलने के बाद उनको ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहली बात तो 3 महीने जो अंदर रहे
उनके पास खाने पीने के लिए, राशन के लिए पैसे नहीं हैं, दूध के लिए पैसे नहीं हैं, सब्जियों के लिए पैसे नहीं हैं, सिलेंडर के लिए पैसे नहीं हैं। और आप जब वो खुल चुके हैं तो चंडीगढ़ की जनता, चंडीगढ़ के उद्योगपति, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो बापू धाम की जनता का तिरस्कार ना करें, उनसे द्वेष भावना ना रखें। ये कोरोना नाम की महामारी बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ रही, तो ये किसी को भी हो सकती है, ये किसी की खरीदी हुई संपत्ति नहीं है, ये एक वायरस है, किसी को भी हो सकता है, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, सबको हो सकती है। तो मैं चंडीगढ़ की जनता से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग आप लोगों के पास कर्मचारी के तौर पर, सेवा के तौर पर कार्य कर रहे थे, उनको अपनी नौकरियों पर रखें, क्योंकि आज स्थिति है कि 3 महीने वो बंद रहे और 3 महीने, अगले 3 महीने तक उनके पास कोई पैसा, कोई उनको मूलभूत सुविधा प्राप्त करने के लिए उनके पास पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि नौकरियां उनकी छिन चुकी हैं, कारोबार उनके ठप हो चुके हैं, और यहाँ तक कि जो रेडी फड़ी वाले लोग थे उनको भी मंडियों के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। मैं प्रशासन से भी अपील करूँगा कि उनको काम करने के लिए, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर अराजकता फैलेगी, भुखमरी के साथ साथ चोरी चकारी बढ़ेगी, और उस चोरी चकारी में फिर हम ये कहेंगे, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं जो आज नौकरियों पर नहीं रख रहे हैं, वो फिर कहेंगे कि कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, कानून व्यवस्था को चौपट करने का दोष देंगे। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कानून व्यवस्था चौपट ना हो, इसके लिए आप लोग उनको नौकरियों पर रखें, और उन जो गरीब लोग हैं जो कारोबार करना चाहते हैं उनको कारोबार करने के लिए आज़ादी दें, क्योंकि पेट अगर भरा रहेगा तो इस महामारी से भी लड़ा जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस महामारी से लड़ते लड़ते हमारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाएं और वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएं और क्राइम की तरफ बढ़ें। तो मैं प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ऐसा ना करे, और इन लोगों की सुविधाओं के लिए हमेशा जिस तरह प्रशासन ने इस कोरोना वायरस के चलते राशन भी बांटा, मूलभूत सुविधाएं भी दी, और मैं तो ये कहूँगा कि प्रशासन की तमाम टीम, गवर्नर साहब, एडवाइज़र साहब, डीसी साहब, कमिश्नर साहब, कॉरपोरेशन की तरफ से भी जो हमारे सेवादार थे, सफाई कर्मचारी, उन्होंने भी लगातार इस महामारी के चलते सफाई का विशेष ध्यान रखा, उनके लिए उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं साथ में हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कोरोना महामारी में लोगों की सेवा के लिए राशन मुहैया कराया, चॉकलेट बांटी और तरह तरह के और भी किताबें बांटी, कॉपियाँ बांटी, बहुत कुछ उन्होंने किया। मैं उनका बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इस मैं जनता से ये भी अपील करूँगा कि ये महामारी अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और इसको रोकने का एक ही उपाय है कि मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का आज्ञा का पालन करें, प्रशासन के जो भी निर्देश आते हैं उनका पालन करें, और साथ में घंटे दो घंटे के बाद अपने हाथ साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें। यही मेरा संदेश है, और लोगों को मैं प्रभु से यही आग्रह करता हूँ, यही विनती करता हूँ कि इस महामारी से निजात पाने के लिए भगवान का आशीर्वाद, भगवान का भजन करें, स्मरण करें, ताकि ये महामारी तुरंत हिंदुस्तान से ख़त्म हो। एक सवाल था कि जिस तरीके से लोगों ने इस महामारी के दौर में और जिस तरीके से आपके यहाँ बापू धाम में लोग फंसे, एक तो नज़रबंद की स्थिति थी, वो स्थिति और लोग न लाएं, उस चीज़ को वो लोग अपना अनुभव में बांट सकते हैं कि हम लोग साफ़ सफाई रखें और क्लीनिंग करें, आसपास के वातावरण को साफ करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। आज लोग बाज़ार में अंदर निकल रहे हैं, लोग वही बिल्कुल आप लोगों की बातें नहीं मानी लोगों ने, जो आप लोग शुरू में कहते थे कि सोशल डिस्टेंसिंग, वो लोग कोई नहीं हो रहा, हम लोग घर के घर में हैं, गलियों में निकले, लेकिन घर के घर में पाँच पाँच लोग, छः छः लोग एक एक परिवार से निकल के आए जब कोरोना में, तो उनके त्रस्त तो उन्होंने भोगा होगा, लेकिन आप उनके लिए क्या कुछ कह सकते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है कि आज जबकि कंटेनमेंट जोन टूट चुका है, बापू धाम आज़ाद हो चुका है, लेकिन उस आज़ादी का नजायज़ फ़ायदा जनता ना उठाए, क्योंकि मैं भी देखता हूँ कि लोग पार्कों के अंदर और सैर करने के बहाने, वो जब हमारा कर्फ्यू का टाइम होता है तब भी वो बाहर घूमते रहते हैं, फिर उनके चलान भी होते हैं, कुछ तो उनके पास पैसा नहीं है, और उसके बाद चलान का सामना करना पड़े,
तो मैं ये समझता हूँ कि जनता को समझना चाहिए कि वो मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, क्योंकि अगर आप लोग ये नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से ये कोरोना वायरस ऐसा विस्फोटक स्थिति पैदा करे कि आप लोगों को 3 महीने में जो अस्थायी जेल के तौर पर भुगतना पड़ा, तो कहीं आने वाले समय में अगर ऐसा हुआ तो आप लोग सोचिए कि एक व्यक्ति के गलती करने से इतना बड़ा भवंडर उठा है। तो आज अगर आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क लगाने के यानी कि पालन नहीं करेंगे और सरकार के जो नियम हैं उनका पालन नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको दोबारा अगर ऐसा करना पड़ा, नज़रबंद करना पड़ा, अस्थायी जेल के तौर पर आपको बंद करना पड़ा, तो आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मुझे नहीं होगा, ये किसी को भी हो सकता है। और सरकार के कानून का पालन करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने चाहिए और पार्कों के अंदर जमघट बनाकर नहीं रहना चाहिए। तो ये सभी को सोचना पड़ेगा। इसकी कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, इसका सिर्फ यही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क लगाएं और बार बार हाथ धोएं, यही इसका हो सकता है। जिस तरीके से आपने देखा कि हमारे चंडीगढ़ के बहुत ही प्रभावशाली पार्षद दिलीप शर्मा जी ने अपना पूरा संदेश, पूरी बातें और एक एक चीज़ें जो कष्ट इन लोगों ने बापूधाम कॉलोनी में लोगों की व्यथा व्यक्त की है कि कर्मचारियों के साथ जो चीज़ हो रही है और सब चीज़ें हो रही है, पूरे देश को हर गांव को न भुगतना पड़े ये सबक लेते हुए कार्य करना होगा। ईशान टाइम्स टीवी आप देख रहे हैं, ईशान टाइम्स हमारे वेब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बराबर शेयर भी करते रहें, जिससे ये संदेश पूरे देश में फैल सके। धन्यवाद।